काव्यांश देखे थे, आज हम काव्यांश की ओर पहला काव्यांश आपको बताने जा रहे हैं। एक काव्यांश अलग से यहां हम दे रहे हैं, जिसका जो है देखिए कवि एक सौ बार पराजित हुआ है, हार गया है, लेकिन फिर भी वह सफलता प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हटता है। हार ही एक नए दिन जीत में बदलती है, ऐसा कवि का मानना है, ऐसा हम सबों का मानना है। गुनाहों से लड़कर कवि हारा है किसे? गुनाह से, बुरे कर्म करने वाले से, पाप से हारा है। और लेकिन बार बार पराजित होने पर भी कवि अपने मूल उद्देश्य से भटका नहीं है। वह उसे विश्वास है कि एक न एक दिन हम इस पाप पर विजयी अवश्य होंगे, इन बुरे कर्मों पर हम एक न एक दिन अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। बार बार गिरा उठा, इससे में मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। अब जो बुरे कर्म है इसके द्वारा बार बार किए गए प्रयास को देखकर वह गुनाह भी, वह बुरा कर्म ही अब मन में चिंता व्यक्त कर रहा, चिंतित हो रहा है, और वह अपने आप को जीत करके भी हारा हुआ मान रहा है। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबार रहा था, वह गुनाह से लग रहा है, इसका मतलब है कि वह बुरे कर्मों की ओर अग्रसर नहीं है। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आ करके, यह बहुत बड़ी बात है। जब सफलता बिल्कुल आपके करीब हो और उस समय एकाएक आप असफल हो जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, कभी की भी स्थिति यही है। लेकिन आप हम सूर्य को देखते हैं कि प्रत्येक दिन वह उगता और डूबता है, लेकिन डूब जाने के बावजूद भी वह निश्चित समय पर अगले दिन उदय के लिए तैयार रहता है। जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह से। जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को पार करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प का होना अत्यावश्यक है। सफलता, श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का पूरे मन से नहीं किया गया है। लेकिन थोड़ा इसे अलग होकर के सोचने की बात है, यदि आप बार बार भी असफल हो रहे हैं फिर भी आप सफलता के रास्ते को नहीं छोड़ें, एक न एक दिन असफलता का अव हट जाएगा और आपका परिणाम सफलता में बदल जाएगा। क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि देखिए, जिसका आंसर हम लिखे हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, कभी गुनाहों से सौ बार हारा है लेकिन वह लड़ा है किससे? लड़ा है देखिए उठ उठ कर, चार है, और डूबा हुआ जो किनारे तक आकर है, क्या हो गया? सफलता के समीप आकर भी हुआ क्या हो गया? असफल हो गया। तीसरा है, कभी ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है, क्या करके? गुनाहों से लड़ते हुए लड़कर। चौथा है, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संभाली, कैसे? तो देखिए समाज, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संभाल, क्या हार बार बार उसके पास आ रही थी, गले लग रही थी, फिर भी वह लगातार संघर्ष करते रहा। और एक लास्ट शब्द तक ये है क्वेश्चन कि दिनकर का पर्यायवाची अर्थ क्या होता है? तो सुन, इस प्रकार से आपने देखा, आप इस काव्यांश को बनाने के लिए सबसे आपको जरूरी है पहले कि आप इसके अर्थ को जाने, और अब जानने के बाद जो एक क्वेश्चन का चार ऑप्शन दिए हुआ है, वो चार ऑप्शन में सबसे सटीक जो आंसर होगा काव्यांश के आधार पर वही आपका आंसर होना चाहिए। तो इसके पांच क्वेश्चन दिए जाते हैं, पांचों का ऑप्शन होता है, पांच मार्क्स का होता है। आपको जैसे हम लिखे हैं कि सीरियल में वन का आंसर कौन होगा, जो भी आंसर होगा, क ख ग घ जो होगा, और फिर क अगर है उसके सामने क्या लिखा हुआ, वह दोनों लिखेंगे, तभी आपको एक मार्क्स मिल सकता है। इस प्रकार से आप का जो मैंने हिंदी व्याकरण है उससे आप
1, 2, 3, 4 बनाएंगे और देखेंगे। थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि काव्यांश है, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिएगा, असुविधा होने पर हम आपको बताएंगे।